द फाइनली द डे इज हियर, पूरी तैयारियां हैं आज के शो के लिए। हमारे चेहरों पे जो आपको मुस्कुराहट दिखाई दे रही है वो केवी साहब ने एक बार कहा था, आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग। एक नई थीम लग रही है आपके बालों में, हम लोग फूल देख रही है, नया आज का ट्रेंड है क्या आपका? आज के आज का जो थीम है उसमें मनीष को ये चाहिए था कि हम सब लोगों के, तो हमने आप ही बताओ पीछे हम लोगों ने फूल लगाए थे। निजवा वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है जो मेरे वालिद कैफी आजमी साहब ने शुरू किया था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। मेरे अब्बा का ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान को सही मानों में प्रगति करनी है तो हमें अपने गांव की तरफ मुड़ना पड़ेगा जहां 80% आबादी रहती है, और जो गर्ल चाइल्ड है उसके एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। और इसलिए हम लोग स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और एम्ब्रॉयडरी सेंटर चलाते हैं। मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और नम्रता गोयल जो मेरी गॉड डॉटर है उसकी यूथ प्रेसिडेंट। शुभम जी, आज कुछ और भी मेहमान शामिल, जो आपने पहले पिछली बार हमें सूची बताई थी उसमें और भी लोग नाम शामिल हो गए, बताना चाहिए आप उनको? खुद देखिए, जरा दिल थाम के बैठिए, अब उनकी बारी आ रही है। सरप्राइज है, वो एक जोया और अपना नहीं है, वो भी शामिल हो रही है, सब लोग हैं, हर जगह आपको सब लोग नजर आएंगे। आप विशेष लक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत उसको पसंद किया और दीपिका को फोन करके उसके लिए मुबारकबाद भी दी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। इससे ज़्यादा सही इंसान दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए हो नहीं सकते। मैं खुशी से झूम उठी क्योंकि मेरा ये मानना है कि शशि कपूर साहब कई तरह से ट्रेल ब्लेजर रह चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम एक्टर होने के बावजूद जिस तरह की फिल्में प्रोड्यूस की हैं, चाहे वो 36 चौरंगी लेन हो या कलयुग हो या जुनून हो, ऐसा किसी ने उनसे पहले नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि पृथ्वी थिएटर मुंबई को देकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कल्चरल इंस्टीट्यूशन हम सब लोगों के लिए यहाँ खड़ा किया है और मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि एक बार मैंने अपने अब्बा से पूछा था कि जब आप चेंज के लिए काम करते हैं तो आप मायूस नहीं होते जब चेंज उस रफ्तार से नहीं होती है जो आप चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे जब आप बदलाव के लिए काम कर रहे हैं तो उस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ दें कि शायद वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन आप पूरा यकीन रखिए कि अगर आप सिंसियरली काम करते रहें तो वो बदलाव आएगा चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए। तो हमारी जो थीम है लेगेसी, वो इसलिए है कि वो बदलाव बहुत हद तक तो कैफी साहब ने देखा था, लेकिन आज जिस स्तर पे हो रहा है वो वाकई मेरी गॉड डॉटर नम्रता गोयल की वजह से है कि ये आप इतना शानदार प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। ये यहाँ इस चीज़ की बात करने की जरूरत बात नहीं है। मतलब वो मजू सुल्तानपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वाकई ये कारवां बन गया है। और कैफी साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने ये कहा था, खारो खस्त उठे रास्ता तो चले, खारो खस्त उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफला तो चले। तो सही मानों में कैफी साहब तो कभी भी नहीं थके, लेकिन जो काफला है वो नम्रता जी आगे ले जा रही है। नम्रता, कुछ कहना चाहोगे आप आज लाइक बिफोर यू लीव, बिफोर यू स्टार्ट द बिग शो, एनी वर्ड्स फ्रॉम यू? आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेगेसी, एज जस्ट एक्सप्लेन, वन दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड द अदर अ लेगेसी व्हिच इज अ वर्ल्ड व्यू, व्हिच इज अ बिलीफ सिस्टम, व्हिच इज अ वैल्यू सिस्टम, व्हिच इज व्हाट कैफी साहब्स वैल्यू सिस्टम was, an eminent poet like him, a crusader of the secular value. We're taking that forward. उसका थीम है मिजवा द लेगेसी, इसलिए पेरेंट चाइल्ड आर वॉकिंग।
I had a huge regret last year. So actually I was shooting for Happy New Year and Shabana Aunty had called me and I couldn't make it. And I promised her last year that next year I will. I've worked for her before and I think it's a wonderful, wonderful cause and a great institution. And being a son myself, I know how much it means to keep the flame glowing for our parents. And it means a lot to me, for my own father. I can only imagine for Kefi Saab, what it must mean to have a daughter like this who's just doing such wonderful work in carrying the family name on. I take legacy very seriously. I think it's something that's very important and something which unfortunately in today's day and age we don't pay a lot of respect to. And you know, full kudos to Shabana Aunty for carrying on the legacy and making her father very, very proud, which I'm sure he already was. Abhishek, जी देखिए, जब भी शबाना किसी भी चीज़ के लिए बुलाते हैं तो इट्स मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि ना करना. तो थोड़ी बहुत रिहर्सल्स हो गई थी, मैं चाहता था कि कुछ और हो, लेकिन सब लोग बहुत ही व्यस्त रहे हैं और समय भी कुछ ज़्यादा था नहीं. लेकिन आई होप ऑल गोज वेल एंड खूब रिहर्सल किया और बहुत अच्छा करेंगे. जी यस, आई वॉक विथ माई मदर एवरी डे. वो मेरी माँ है. ऑन द रैंप तो जी नहीं, ये तो पहली बार. जय जी, पहली बार लाइफ में रैंप पे चल रही है मेरी वजह से. और शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार लाइफ में रैंप पे चल रहे हैं मिजवा की वजह से. Well, I'm wearing one of my favorite designers of all time, Manish Malhotra. जैसे कि आप जानते हैं कि Manish has very graciously agreed to do the show today, and I never asked Manish any questions. Manish and I have worked together since the start of my career, and whatever he's given me, I have tried to pull off to the best of my ability. ये कपड़े सब मिजवा में बने हुए हैं, handcrafted. All the chikankari is done by the by Mijwa. महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, हम इतने चीजें देख रहे हैं जो सुरक्षा देते हैं महिलाओं के प्रति. जैसे स्मृति ईरानी जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री हैं, वो एक वॉर्निंग से उसमें आई एम सॉरी आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन इट, सो आई रियली डोंट नो. Well, I wouldn't want to say anything about this CCTV because I don't really know about it. But as far as women empowerment is concerned and safety, I don't think there should be anything that is more important in anybody's life than keeping the woman by your side or in your life or anybody that you might know who's a lady safe, happy, secure. I think it is the job of society. And you know, I really don't like to get into this whole thing of men and women because I think it's I consider them equal. I've been brought up in a household which was dominated by women. I have four sisters, one actual sister, three cousin sisters. I was brought up by my mother who has, I have two masis, and predominantly brought up by women, and I've never been brought up to think of them as any different. If anything, I believe women are the superior than to men, and I definitely think the least we can do for them is to make them feel comfortable, make them feel safe, make them feel secure. And I'd be willing to do whatever possible or whatever needed to ensure that. I didn't understand your question, I'm sorry. No, no. As children, we never went on any of these shows. My childhood was filled with a lot of playing and happiness and laughter. No, the first time I did a show was once I was already a working actor, so no. I never knew she's walking for the first time, so I've suddenly become very nervous because I have to escort her down the ramp.
So yeah, fingers crossed. I hope I don't. I hope I don't let her down. Yeah. अभिषेक जी का एक वीडियो आया जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए लगाया, आपने देखा? जी नहीं, sorry Sumit, I've not seen it. Sorry. Okay, I don't know because I've not seen it. Sorry. I just told you. I think everybody should have the liberty to live life the way they want to, and that's important. और मैं ज़्यादा महत्व इस पे नहीं दे रहा हूँ कि महिला हो या पुरुष हो. I think everybody is equal. I think the day you stop talking about the difference between men and women is the day you stop. So stop classifying them in the first place. Everybody is a human being, and that's what's important. हमारे सबके मन में जिज्ञासा है कि आपकी जो घटी बाकी तो डिफरेंट आप मिल भी हैं और आपके प्रोत्साहन की. जी नहीं, जी नहीं. आराध्या बहुत छोटी है, वो सो गई है. almost I think 9:30 now. So वो सो गई है. ऐश्वर्या व्यस्त है क्योंकि she's shooting right now, so she couldn't be here. She's shooting for Jazba for Sanjay Gupta. ये माहौल जो है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है. We're all here for Mijwan, and I think we should all applaud the cause and support the cause. Like I said, ये माहौल कुछ है नहीं. Let's talk about Mijwan. जी एक बार शो हो जाए फिर उसके बाद आके आपके साथ भी खिंचवाएंगे, उनके साथ भी खिंचवाएंगे. लेट द शो गेट ओवर. आई एम अ बिट नर्वस अबाउट दैट सुमित. सो या थैंक यू. आई सपोर्ट मी आई नीड इट. दिस इज टू हेल्प द गर्ल चाइल्ड. और शबाना आंटी और नम्रता मेरी बचपन की सहेली है.